नमस्कार संगीता जी। जी नमस्ते सर। मैडम कहाँ से कौन से जगह से बात कर रहे हैं आप? सर हम छतरपुर से बोल रहे हैं, एमपी छतरपुर, और बागेश्वर धाम के बगल से बोल रहे हैं। बमीठा गांव कहलाता हमारा। अच्छा, और कितने किलो वजन कम किया है आपने? सर मेरा 28 किलो वजन कम हुआ है। 28 किलो कितने दिनों में जी? जी सर, जी 8 महीने लग गए सर। 8 महीने। वाली जो आपकी फोटो है, ये वाली आपकी फोटो, ये कितने टाइम पहले की है फोटो? जी सर 1 साल पहले की है, इसी बिल्कुल फरवरी की में है सर। अच्छा, शादी को कितने साल हो गए? सर हमारी शादी को 12-13 साल हो गए। ये 2011 में हुई थी हमारी शादी। अब ये वाली पिक्चर देख के आपकी कोई भी कहेगा जैसे अभी नई नई शादी हुई है आपकी। आपको कहीं ये बात जी किसी ने सर, पहले भी कही है, किसी ने ये बात? जी सर सर बोलते हैं ना बहुत से लोग अगल बगल के, है ना, अड़ोसी पड़ोसी सब लोग यही बोलते हैं, पहले साथ जैसे शादी में लगती थी वैसी लगने लगी हो। अच्छा, तो आपको खुशी होती है? सर बहुत खुशी होती है। तो आपको जो हेल्थ इश्यूज थे, क्या क्या हेल्थ इश्यू ठीक हुए हैं आपके? सर हेल्थ इशू तो एपीसीओडी भी था और पल्स की समस्या भी थी सर, तो वो भी ठीक हुई है। और शरीर में बहुत भारीपन और आलसपन बहुत रहता था सर, काम तो कुछ किया ही नहीं जाता था, बस खाना खाओ लेटे रहो लेटे रहो। लेट के उठते थे तो ना ये पाँव इतने दर्द करते थे सर, चलने में बहुत दर्द होने लगा था। अगर रात के अपन सुबह उठते थे ना तो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट तो हम अच्छे से पाँव रख नहीं पाते थे सर, इतना दर्द होता था पाँव में। अच्छा, और अभी? अभी तो कुछ नहीं, अब तो बस दौड़ दौड़ के कर लेते हैं। तो आज तो ये लगता है कब सुबह हो दौड़ने को जाए। हाँ, तो ये पीसीओडी की आपने कहीं जांच कराई है या कैसे पता चला कि ठीक हो गया? नहीं सर, हमें खुद अपने पीरियड में बहुत समस्या थी सर, कभी आते थे कभी नहीं आते थे, ऐसी थोड़ी समस्या जी आती थी बहुत ज्यादा। अब रेगुलर हो गए, सब अच्छा हो गया। अब जांच भी करवाई है सर, मेरे बच्चे नहीं है अभी एक भी, तो इलाज तो चल रहा है अभी, तो सब नॉर्मल आया सर। पहले थोड़ी बच्चेदानी पे चर्बी पे बोलते थे, बच्चेदानी पे चर्बी है, सूजन है, मोटे की वजह से वजन कम करो, इसलिए तो अब सब नॉर्मल आया सर। अभी हमने लेप्रोस्कोपी करवाई है तो सर ने सब नॉर्मल बताया। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैडम, जब आप, हम दिल से ना, मैं अपने सब्सक्राइबर की तरफ से भी, सबकी तरफ से दुआ देता हूँ कि आप बहुत जल्दी माँ ठीक है, बनेंगी। आपने हमारा वजन तो बहुत जल्दी कम करवा दिया सर, थोड़ी इतनी दुआ करना सर, हमको माँ बनने मैडम का सौभाग्य प्राप्त हो दिल से जाए। दुआ करेंगे, मैं ही नहीं, हमारे सारे सब्सक्राइबर दिल से दुआ करेंगे कि आप बहुत जल्दी, आपके घर में संतान आएगी। और क्योंकि ना वजन बढ़ने की वजह से ही प्रेगनेंसी ठहर नहीं पाती बहुत से लोगों को, तो आपका वजन कम हो हाँ गया तो अब सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और तो ये आपका 28 किलो, जब इतना ज्यादा वजन कम होता है किसी का तो मतलब बहुत ज्यादा हल्का महसूस होता है, तो आप भी ऐसा महसूस कर रहे हो? काफी हल्का? सर बहुत हल्का महसूस, ऐसे लगता है कि जैसे हमने कुछ वजन निकाल के अपने शरीर से अलग करके रख दिया हो सर। ऐसे अच्छा, लगता था कुछ पत्थर जैसा वजन हमने अलग कर दिया हो, ऐसे लग रहा है सर शरीर में अब। अरे वाह वाह वाह। तो पुराने पुराने कपड़े आते हैं या अभी सब लूज हो गए? सर पुराने, पहले हमने सूट उट पहनना सब बंद ही कर दिया था सर, सब कोई टोकता था सूट में अच्छी नहीं लगती हो कुछ, या इधर से उधर से अच्छा नहीं लगता सूट पहनना, तो साड़ी साड़ी पहनते थे सर, सूट पहनना तो बंद ही कर दिया था। जी अब जब से पतले हुए तो हस्बैंड जी अलग अलग से बोलते भी नहीं है सर, पर आज देते हैं सर ले आ ले आके कपड़ों वाह वाह वाह, बहुत का। बढ़िया जी। तो इसमें ये इतना ज्यादा वजन कम होने में 32 बार का ही रोल है या कोई डाइटिंग वाइटिंग भी की है आपने? नहीं कोई डाइटिंग नहीं की है सर, सिर्फ 32 बार का रूल है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने 32 बार रूल ये फॉर्मूला चलाया, जी। बहुत से लोगों की जिंदगी सुधर रही है सर इससे। अच्छा, अभी आप वीडियो देख चुके होंगे आज तक आप? सर हम तो ये गिनती तो नहीं है, और लेकिन जब से हमने आपको ज्वाइन किया है सर, उसमें
फेसबुक में भी है वो 32 बार कम्युनिटी, और यूट्यूब पर भी। तो ज्यादातर यूट्यूब की वीडियो देखा करते हैं सर, जब भी खाना खाने को बैठते हैं तो दो वीडियो जरूर देख लेते हैं, इतने में 40-45 मिनट निकल जाते हैं, तो हमारे में खाना भी फिनिश हो जाता है और आपकी दो वीडियो भी देख लेते हैं, अरे वाह, ऐसा होता है सर। अच्छा, तो मतलब वीडियो से मोटिवेशन मिलता है। खूब मोटिवेशन मिलता है सर, अगर कोई मन में थोड़े कभी ऐसा आए कि वजन कम होगा या नहीं होगा, वीडियो देखो तो लगता है मन में धैर्य हो जाता है कि होगा क्यों नहीं होगा, लगे रहो तो होगा, जरूर होगा, पूरे मन से करो तो जरूर होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अगर कोई आपने जो चीटिंग कर, ये अगर थोड़ी बहुत कभी कभी चीटिंग हो जाती सर कभी कभी चीटिंग हो जाती हो, आपकी वीडियो देखो तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन बन जाता है कि नहीं अपने आप से चीटिंग नहीं करना है, जो सर बोल रहे हैं अगर वजन कम करना है तो इसको पूरी श्रद्धा से करना पड़ेगा। अच्छा, तो जब खाना खाते वक्त आप हाँ ये वीडियो नहीं देखते हो तो कई बार 32 बार ढंग से नहीं भी हो पाता। हाँ सर, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उतने अच्छे से नहीं होता, जितने अच्छे से आपकी वीडियो देख के हो जाता ना, उतने हाँ, अच्छे से नहीं हो जाता, हो पाता। फिर तो अभी तक ये जो आपकी आपने, वीडियो से 40-45 मिनट अच्छे से निकल जाते हैं और बढ़िया अचीव कर लेते हैं अपन, 32 से 35-40 बार भी, एक एक ने वाले को अपन 40 बार भी अचीव करके निकल जाते हैं आपकी वीडियो देखते हैं तो। अगर नहीं करो, आपकी वीडियो नहीं देखो तो 20-25 बार ही हो पाता है सर। अच्छा, और ये संगीता जी, इतने सारा वजन कम होने में कोई पैसा वैसा लगा आपका? कोई पैसा देना पड़ा हमारे नहीं को? सर, एक भी पैसा नहीं देना पड़ा सर, क्यों हम बोले बिल्कुल भी एक भी रुपया नहीं है, सब फ्री में आप ऐसे सबको बताते रहे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम तो कर दिन में कितनी रोटी खा लिया करते थे एक दिन में लगभग? सर पहले तो 4-5 रोटी तो खा ही लेते थे एक बार में सर, और सबसे ज्यादा घर में हम ही खाना खाते थे सर। एक बार में? हाँ और अभी के क्या हालात हैं? अभी तो सर एक रोटी रख लेते हैं और सलाद अलाद काट के रख लिया, जैसे प्याज, एक टमाटर, एक गाजर, इतना सलाद बना के रख लिया, और एक कटोरी में थोड़ी दाल रख लो, सब्जी रख लो, तो इतना ही फिनिश कर पाते हैं। उसी में रोटी में भी हमें 2-4 टुकड़े कभी छोड़ने पड़ जाते हैं सर। अच्छा, ओके। तो हाँ खाया ही नहीं जाता, पेट पेट बिल्कुल पूरा भर जाते सर, ऐसे लगता है कि अब नहीं बनेगा। एक रोटी में कितने कोर निकल जाते हैं? आप कितने टुकड़े निकल जाते हैं आपके? अच्छी सर 25 से 30 तो हो ही जाते होंगे, गिनती से तो ठीक नहीं गिनी सर, इतने छोटे छोटे करते हैं एक रोटी में कि 25 से 30 हो ही जाते होंगे। है। और ग्रीन टी पीते हो आप? जी सर, ग्रीन टी भी लेती हूँ और एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ, और वो चिया सीड बोलते थे सर, एक बार आप वीडियो में देखा था, तो चिया सीड भी लेती हूँ सुबह से खाली पेट। ग्रीन टी कौन सी पीते हैं आप? लेमन वाली पीती हूँ सर, और रात में कैमोमाइल पीती हूँ सर। 32 बार वाली। हाँ सर 32 बार वाली। और दूसरा जो बिना हाँ नमक का दिन है वो करते हैं आप? सर, शुरू शुरू में दिया है, वही थोड़ा अच्छा लगने लगी बॉडी में। जी। और वजन घटाने के लिए आपको लगता है इससे आसान भी कोई तरीका देखा आपने कम करने? नहीं, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता सर, इसलिए घर में जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो बहुत ही सरल उपाय है सर, सीधे तो है कि कहीं जाना भी नहीं पड़ता, अपने घर में सिर्फ जो कुछ है अपना खाते रहो, 32 बार करते रहो, वेट लॉस करते रहो, बस इससे अच्छा, सरल कोई उपाय नहीं होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम। पता है क्या, हमें खुद को भी बड़ी खुशी होती है और बड़ी हैरानी होती है कि मैं इसमें अपने आप को कोई क्रेडिट नहीं देता कि मेरी वजह से हो रहा है, ये भगवान की वजह से हो नहीं रहा है। सर, क्योंकि आपकी वजह से हो रहा है सर। धीरे चबा के खाना ना, ये सच में भगवान की मर्जी है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। तो मेरे शब्दों में भगवान ने ये बात डाल दी, तो मैं तो जो उनकी आज्ञा है वही कर रहा हूँ, और आप लोग ठीक हो रहे हो, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की ना। तो सच सर में हम तो बहुत जब भी अपने मोटेपन में सोचते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपका, कि सर नहीं, सर आप मिले तो हमारी तो जिंदगी बदल गई सर जब से। सर नहीं मैडम, आपकी मेहनत है और आपकी मेहनत से आपकी जिंदगी बदल रही है, ये सबसे अच्छी बात है। तो ऐसे ही आपको स्वास्थ्य मिले और आपके घर में एक संतान का जन्म हो जल्दी से जल्दी, हम तो यही दुआ करेंगे।
और बाकी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं मैं उनको बता दूं कि संगीता जी हैं छतरपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं, और संगीता जी जो हैं इनका 28 किलो वजन कम हुआ है 32 बार के फॉर्मूला से। 32 बार का फॉर्मूला क्या होता है, वो खाने को धीरे चबा के खाने का है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप रोटी खाते हो या चावल खाते हो, छोटे निवाले लिया करो, कितने छोटे, जैसे किसी 3 साल के बच्चे को खिलाते हैं। आप एक रोटी के कम से कम 30 से 35 टुकड़े कर डालो, 30 टुकड़े तो संगीता जी कह रही हैं कि मैं भी कर लेती हूँ, और हर टुकड़े को जब मुंह में डालो तो उसे चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ जब तक वो पानी ना बन जाए। कम से कम 32 बार तो चबाना ही है, जब पानी बन जाए फिर अंदर लेके जाओ। खाना खाने में समय जो है लंबा लगना चाहिए। कोई भी इंसान जिसका वजन जी बढ़ा होता है सर, ना, उसको आप देखेंगे वो खाना बहुत तेजी से खाएगा, 5 या 10 मिनट में खा लेगा। जब पहले आप खाते थे तो पहले कितनी देर में खाया करते थे? सर ऐसे ही करते थे, 5 मिनट में 3 4 रोटी खा जाते थे सर। एक रोटी के 3 या 4 टुकड़े करते थे सर हम। और अब जब खाते हो खाने का स्वाद आता है? सर बहुत बहुत स्वाद आता है, आप पता चला सर खाने खाने का स्वाद। तो पहले तो ऐसे खा लेते थे, बस मुंह में दिया 2 3 बार इधर से उधर किया और बस नीचे ले गए, लेकिन अब पता पड़ता है सर कि अपने एक एक दाने दाने का स्वाद मिलता है सर अब। अंग्रेजी में ना एक शब्द है सेंसिबल बोलते हैं उसको, सेंसिबल यानी कि सभ्य। तो धीरे खाना सभ्य तरीका होता है, सेंसिबल तरीका होता है। आप लोग धीरे, कोई भी इंसान जिसको अपना वजन कम करना है, अपना स्वास्थ्य अच्छा करना है, बीमारियां ठीक करनी है, छोटे टुकड़े लिया करो। जैसे संगीता जी भी बता रही हैं कि पहले तो 4 टुकड़ों में रोटी खा जाती थी, अब ये करती हैं 30 टुकड़े, और पहले 2 4 बार चबाया और अंदर चला गया, और अब ये चबाती हैं उसको जब तक वो पानी ना बन जाए। तो यही सब आप लोगों को भी करना है, में लंबा समय लेना है, 40 45 मिनट इनको लगते हैं, आप भी इतना समय लो। और खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। आप दिन में कितनी बार ग्रीन टी पीते हो? सर मैं 2 बार ग्रीन टी लेती हूँ, एक लंच के बाद ग्रीन टी लेती हूँ और एक डिनर के बाद। बहुत तो कैसा महसूस होता है ग्रीन टी पीने के बाद? हल्का महसूस होता है सर, ऐसे लगता है बिल्कुल बिल्कुल हल्का महसूस होता है बॉडी में। जी, ओके। और ग्रीन टी पी लीजिए। और पांचवा ये है, हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लीजिए। जिनको लो बीपी की शिकायत है वो ये ना करें जो बिना नमक वाला दिन है, बाकी चारों चीजें वो कर सकते हैं। ये पांचों बात कोई भी करे तो उसका वजन पक्का कम होगा, ये बात मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। आप भी लिख के दे सकते हो मैडम? बिल्कुल सर, हम भी लिख के दे सकते हैं, जो भी ये 5 बात तो फॉलो करेगा ना सर आपकी गोल्डन रूल, तो उसका उसको 100% है कि उसका वजन लॉस होगा ही होगा है, वेट लॉस। पक्का कम होगा। अच्छा, आप शाम को कितने बजे तक खाना खा लेते हैं, अपना डिनर जो है कितने बजे तक कर लेते हैं? शाम को सारे 7 साढ़े 7 के बीच में हमारा डिनर हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं? उसके बाद पानी पी लेते हैं, जैसे ज्यादा भूख लगी कभी कभी के लग रहा है कि जैसे 9 10 बजे तक, 10 बजे तक तो सोते ही हैं सर, तो लगा थोड़ी कभी कभी भूख सी लग रही है, तो जैसे दाल आल रखी हुई तो दाल एक कटोरी ऐसे पी जाते थे चम्मच से। कभी ठीक है। कभी होता है सर, ऐसा रोज रोज नहीं होता, जैसे कभी लगा के हमको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भूख लग रही तो क्या करें, तो लिक्विड में कुछ भी जैसे लगा तो दाल आल रखी हुई तो दाल पी ली, 1 गिलास दूध ही लेके पी लिया ऐसे ही। अच्छा, और सुबह नाश्ता कितने बजे करते हैं? सुबह नाश्ता होता है 10 साढ़े 10 के बीच में सर। अच्छा, नाश्ते में क्या कुछ खाते हैं? नाश्ते में भी सुबह जैसे कुछ नहीं हुआ तो जैसे दलिया लिया बनाया कुछ पतला सा, तो दलिया भी ले लेते हैं, जैसे दाल चावल सुबह से बनते ही हैं खाने में, तो कुछ नहीं हुआ तो दाल ही बस एक कटोरी पी लेते थे, और ऐसे कभी कुछ चीला इला बना लिया, कभी परांठे अराठे बनाए तो परांठे भी एक थैया ले लेते थे ऐसे। कुछ मतलब सब कुछ ही नियम खाते नहीं हैं, था कुछ कि ऐसा हमको खास यही लेना है, नहीं, सब सब कुछ कुछ ही पूरा भी खाते ले लेते सर। हैं। हाँ, हाँ जी। और दोपहर को? दोपहर को सर एक कटोरी दाल हो गई, थोड़े से चावल भी लिए हैं सर हमने, जैसे चावल पहले ज्यादा खाते थे तो कम कर दिए, लेकिन चावल थोड़ा कुछ नहीं है सर, स्वाद के लिए हमने थोड़ा थोड़ा सब लिया है, एक रोटी हो गई, थोड़े चावल हो गए और एक कटोरी दाल हो गई, सैलेड ज्यादा लेते थे सर। जी, बहुत बढ़िया, ओके।
और आपको इस सब में कभी ऐसे कोई कमजोरी वगैरह महसूस नहीं होती जब इतना कम खाना खाते हो? नहीं सर, कोई भी कमजोरी महसूस मिलाके आपका ये अनुभव जो रहा वजन घटाने का, ये अच्छा रहा? पूरा अच्छा रहा सर, और बहुत अच्छे से हो जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं जाती सर, बहुत अच्छे से, जो घर में बना है अच्छे से खाओ, बस इस पे ध्यान दो कि हमको जो भी खाना है तो उसको चबा कर खाना है 32 बार, जब तक पानी न बन जाए, जब तक नीचे ना ले जाए, चाहे फ्रूट खाओ, चाहे खाना खाओ, चाहे पराठे खाओ, कुछ भी 32 बार चू करना है बस और आप एक्सरसाइज वगैरह भी करते हो कोई? सर। जुम्मा डांस करती हूँ मैं, आधे घंटे का, 30 मिनट का। अच्छा, यूट्यूब से देख के करते हो? हाँ सर, यूट्यूब से पहले तो पहले भी करते थे या ये 32 बार में आने के बाद ही शुरू किया? बहुत बार करते थे सर, लेकिन वजन कम ही नहीं होता था, जब से 32 बार किया तो अपने आप जैसे लग रहा था कि बॉडी में ढीलापन आ रहा है, इसलिए जुम्मा डांस करते रहे हमने, कि जो पहले करते थे वही करते हैं, तो बस जुम्मा डांस भी करते थे और 15 आध घंटे के लिए घूमने भी जाते थे सुबह सुबह। जी, और ये जो हमारी 32 बार कम्युनिटी है फेसबुक पे, इससे कोई फायदा होता है? सर बहुत मोटिवेशन मिलता है, सब लोगों की फोटो वगैरह देखो, सबकी कमेंट, जो हर कोई पूछता है कि क्या करना है, क्या खाना है, तो सब कोई लोग, हर कोई बताता है फ्री में, बहुत मोटिवेशन मिलता है सर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं बता दूं जी अपने दर्शकों को, संगीता जी हमारे साथ, आपने देख ही लिया इतना ज़्यादा वजन कम होना, 28 किलो एक चमत्कार होता है अपने आप में। और इनका पीसीओडी भी ठीक हो गया, इनको पाँव में दर्द रहता था वो भी ठीक हो गया, आज सब जगह से तारीफ मिल रही है, कपड़े सारे के सारे इनके ढीले हो गए पुराने वाले, खुश हैं ये अपनी सर, लाइफ मुझे में। पल्स की भी समस्या थी, पाइल्स की हाँ वो भी ठीक हुआ है सर, इसी 32 बार से हुआ है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया? से ठीक, बिल्कुल छूमंतर हो गया सर, बिल्कुल भी, जब से 32 बार किया एक बार भी कभी दर्द नहीं हुआ, ना कोई एहसास हुआ कि दोबारा होगा, वाह ये नहीं वाह, होगा सर, हमें लगता है बिल्कुल बहुत से खत्म बढ़िया। हो गया। मैंने ना एक एक वीडियो बनाई थी जिसका टॉपिक का मैंने नाम रखा था कि आप एक मूर्तिकार हो। मैंने उसका टॉपिक रखा था कि आप अपने आप को ना कितना भी सुंदर बनाना चाहो, आप अपने आप को उतना सुंदर बना सकते हो। हर इंसान के अंदर ना एक सुंदर इंसान छुपा बैठा है। अब आप कोई भी इंसान देखेगा, जब हम ये फोटो देखते हैं और साथ में ये वाली फोटो आप देखोगे, तो हर इंसान के अंदर एक सुंदर सा इंसान छुपा बैठा है। आपको बस अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी है। मेहनत भी क्या करनी है, खाने को सेंसिबल तरीके से धीरे धीरे खाना है, वो सुंदर इंसान निकल के सामने आ जाएगा। आपको चारों तरफ से हाँ तारीफ मिलेगी, बहुत अच्छा फील होगा। तो वही संगीता जी के साथ हुआ। अब 32 बार में क्या करना होता है वो मैं बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, वो देखिएगा। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आके संगीता जी को आप सबकी दुआओं की आवश्यकता है। इन्होंने अपना वजन तो कम कर लिया, अब इनके घर संतान हो। मैं चाहता हूँ आप में से जो लोगों को भी लगता है कि मैंने आपकी सच में मदद की है, नीचे आके कमेंट सेक्शन में इनको दुआएं देना कि जल्दी से जल्दी इनके घर एक बच्चे का जन्म हो, जो भी हो स्वस्थ बच्चा आए। तो हम सबकी ये दुआ है मैडम, मेरी दिल से दुआ है, और ऐसा जरूर होगा क्योंकि वजन कम होने के बाद जो कंसीव करना है वो बड़ा आसान हो जाता है, डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं। तो बहुत जल्दी ऐसा होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमारी ग्रीन टी लेना चाहते हैं 32 बार वाली, तो वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से मिल जाएगी, मीशो से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, सब जगह से मिल जाएगी। और अब तो टी बैग वाली ग्रीन टी भी आ गई है, आप टी बैग वाली ग्रीन टी भी ले सकते हो। बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद संगीता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम यू लोगों की मैम। लाइफ भी चेक कर दी सर आपने। जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू, ओके।